वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम यस बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो यस बैंक लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो आज यहाँ पे आप देख सकते कि 12.55 पे मीन्स फ्राइडे के दिन क्लोजिंग डे 12.50 की, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते कि 5 पैसे की गिरावट भी देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन में। यानी कि आने वाले वीक में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले, कहाँ पे ज़्यादा चांस है सपोर्ट और लेने का या रिजिशन लेने का, वो सब यहाँ पे हम देखने वाले इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुबह तक एक अच्छी मूवमेंट थी, पर दोपहर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरिश मूवमेंट देखने को मिली थी। मीन्स गैप अप से ऊपर ओपन होकर यहाँ पे स्टेबल था ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पर दोपहर के बाद यहाँ पे हल्के से क्लोज नेगेटिव हो गए जैसे, तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। फिर प्रीवियस क्लोजिंग पे सपोर्ट ले रहा था उसको भी ब्रेक करके और गिरावट देखने को मिली थी। यानी कि मार्केट कैप भी देख सकते हो 31.22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशो 29.76 का। और पिछले 5 दिनों की भी बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में भी देख सकते हो तकरीबन 3.47% की गिरावट हो चुकी है और 1 मंथ में तकरीबन 11% से ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है यस बैंक लिमिटेड स्टॉक में। तो यस बैंक का यहाँ पे चार्ट एनालिसिस पे भी नज़र डाली जाए तो रिसेंटली यहाँ पे अपडेट्स दे यस बैंक आने वाले वीक में कैसे मूवमेंट कर सकता है, पर करंटली यहाँ पे आने वाले वीक में 12.60 की लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे 13 लेवल तक इजीली जा सकता है यस बैंक स्टॉक आने वाले वीक में, क्योंकि 13 लेवल पे 200 मूविंग एवरेज का रिजिशन है तो वहाँ पे रिजिशन लेने के चांसेस ज़्यादा है, पहले भी रिजिशन लिए गए थे। और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग रहा तो नीचे 12 लेवल तक इजीली आ सकता है क्योंकि बीच में कहीं भी सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं L2 लेवल्स आप लोग ध्यान में ले सकते हो। तो ये लेटेस्ट अपडेट यस बैंक लिमिटेड स्टॉक के लिए।